Hello guys, this is AK from Dali and welcome back to my new vlog. So आज मैं जा रहा हूँ एक बार कालका जी मंदिर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना है वहाँ पे। बहुत दिन से बेचैनी सी हो रही है और बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब एक ही बार गया हूँ जब से मैंने बाइक लिया। मेरा जाना वरना बंद ही हो गया, वरना मैं हर हफ्ते ही चला जाता था। चलो चलते आज, और थोड़ा शाम का टाइम हो रहा है। सुबह जाना था, मैं सोच रहा सुबह जाता तो मैं कार से चला जाता, लेकिन अब मैं शाम को जा रहा हूँ तो फिर बाइक की लेके चलते हैं। राइड का राइड हो जाएगा अपना, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। और बताइए आप की हाल चाल, आपके सब बढ़िया में हो जाए एक बार बुम बुम। सो अभी देखते हैं, निकलते ही ट्रैफिक में फंस चुके हैं हम। अभी कहीं रुकता हूँ, एक दो पोस्ट डालता हूँ, फिर थोड़ा सा मौसम भी ठीक है, क्लिक करते एक दो फोटो, फिर आगे की तरफ निकलते हैं। सो गर्मी तो यार ठीक ठाक सी है, मतलब गर्मी का तो अब क्या ही कहे, गर्मी तो अब और ज़्यादा होती ही रहेगी, कम तो होगी नहीं। सो मैं तो सोच रहा हूँ जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा ना, जब कैसे करेंगे। पहले तो मैं इसे 4 बजे निकालता था, फिर मैंने 5 बजे निकालनी शुरू करी, फिर मैंने अभी 6 बज गए, ठीक है अभी 6:30 बजे निकलनी शुरू हो गई है। अभी लग रहा है मुझे 7 बजे तक निकलेगी घर से, क्योंकि जितना थोड़ा सही सा टेम्परेचर होगा जब ये निकलेगी, वरना तो पता ही है गर्मी में बुरी हालत कर देगी। और यार मैं भी जीन्स दूसरी पहन के आ गया, उसमें थोड़ा ये टाइट सी है, मतलब थोड़ी सी ना, तो इसमें पॉकेट में जैसे मोबाइल वगैरह रखा है तो दिक्कत रहती है। राइडिंग पैंट मैंने नहीं पहन रही अभी तक। तुमसे न जाने क्यों, ये देख लो फ्लाईओवर बस बनने के लिए थोड़ा सा ही रह रहा है अभी इसका काम धंधा, फिर ये ओके की रिपोर्ट में चलेगा एकदम। फिर आना भाई द्वारका वाले भाई, सीधा डायरेक्ट यहाँ से जाना और यहाँ से आना, दिल्ली का जाम ख़त्म कर देगा ये। चलो चलो जाम ना हुआ, मैं तो ये पता ही था कितने फ्लाईओवर आ जाओ जाम ना होने ख़त्म, बस ये है कि टाइम बच जाएगा थोड़ा, और तो जाम तो ना होंगे। ये तो मैंने देख लिया, जब तक कोई फ्लाईओवर बना ना जब तक तो रोड पर कितनी गाड़ी आ जाए। चला था गाइस थोड़े से फोटो शूट करने के लिए यहीं पे ही अपने शनि मंदिर। सो हो गया, पोस्ट वगैरह जो डालनी थी डाल दी, अपने चलते अब। सब तो यार बड़ा सेक्सी सा हो रहा था, बार बार और कोई रास्ता नहीं है, अंदर अंदर का कोई ड्रामा नहीं है भाई साहब। एक तो है भी तो दूर, ये पड़ेगा साकेत की तरफ, नेहरू प्लेस की तरफ पड़ेगा। चलो चलो यार, कैसे कैसे कर रहा है, बुलावा आया है।
फिर तो मैं रात के जाता था, देख लो एक बार ही भी नहीं गया, जब से बाइक लिया एक बार गया हूँ। बाइक लिए तो भी अराउंड 3 महीने करीब तो हो ही गए। मैंने कितनी बार मिस कर दिया यार, मैंने कितनी बार, जब तो भगवान नाराज है, जब तो काम बन नहीं रहे भगवान की गलती मानते हम अपनी, रखनी पड़ेगी हर चीज़ है ना, सारी टाइम निकालना ही पड़ेगा हर चीज़ों के लिए। महीने में भी ना, हफ्ते तो हफ्ते, महीने में भी तो हफ्ते में एक बार भी चले जाओ जब भी ठीक है। चलो चलो घर में मैं पूजा करता हूँ, जिस दिन मैं ड्यूटी जाता हूँ उस दिन मैं घर में पूजा करता हूँ। अरे 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 सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी में वो कोई कमी नहीं छोड़ते, चाहे उन्हें कितनी नींद आ रही हो। मैं दिख गया ना भैया, उठ गया मैं, साथ साथ रहेंगे साथ साथ, ऐसा पूरी सिक्योरिटी करते हैं वो मेरे चंपन। अभी आया हूँ ना, उनका मुंह बन गया, बैली का मुंह बन गया, अब उसे जाके मनाना पड़ेगा फिर बात बनेगी। वैसे ही है वो, वो भैया हमारी पहला पहला चाओ चलो चलो अब आ जाएंगे हम जल्दी जल्दी से। वजीराबाद तो आ चुके हम, पटीला फिर सीधा कश्मीरी गेट, फिर सीधा ITO, सीधा आश्रम, फिर सीधा मंदिर, ऐसे ही बस जल्दी जल्दी पहुँच जाए। पहले अपना काम कर लेते हैं जो है ना, फिर अपना मस्ती में चलेंगे ना। सही बोला मैं, कल एक भाई का मैसेज आया, वो कह रहा है कि भैया मेरे साथ लोग बना लो। अरे यार ये क्या बारिश आएगी क्या? अरे ऐसा तो ना होना चाहिए यार, पोपट हो जाएगा भाई मेरा तो सच में। तो वो भाई कह रहा है कि व्लॉग बना लो मेरे साथ। मैंने उससे पूछा तो है भाई, तो है कहाँ का, मतलब कहाँ रहता है, आसपास का होगा तो ठीक है, दूर के में तो यार फिर वही है ना, इतने दूर जाओ प्रोग्राम बनाओ वो अवेलेबल ना होगा, मैं ना होगा, फिर तो ही है ना। हमारे एरिया का हो तो ठीक है, साथ साथ बना लो ठीक है, कंपनी तो मिलेगी। ये भी भैया ऐसे बोल दे कहीं पे भी, हमारे जैसे छोटे मोटे ड्राइवर को तो देखते भी ना आए। जो जो मेरे दोस्त सुपर बाइक ले रहे हैं ना, उनके सबके कुत्ते फेल हो चुके हैं, कह रहे भैया गर्मियाँ अपना चलाएंगे, उनको संडे संडे चलाएंगे बस, देख लो। अरे यार तेल भी डलवाना भाई, मैं ले ले तांड रहा हूँ, तेल कहाँ से डलो, पेट्रोल पंप कहाँ आएगा भाई साहब, ये तो नई चुनौती आ गई मेरे लिए, पेट्रोल पंप ढूंढना पड़ेगा इस रोड पे, तो मुझे तो लगता है ना पेट्रोल पंप ही है यार। बात पेट्रोल पंप की तो है ना, बात जो इसमें पेट्रोल डलेगा वो भी मिलना चाहिए, उस तरफ तो यार बहुत सारे हैं पेट्रोल पंप, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, बताओ 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 मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स में कहाँ पे मिलेगा, मैं यहाँ कश्मीरी गेट से जाऊँगा क्या? तो भैया अपना गूगल देवता देखने पड़ेंगे, गूगल देवता ही बता सकते हैं वो, यह जो सब चीज़ की चलेगा चाचा ये जान देगा, ये है मजनू का टीला 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 टीला। अरे कैसे करेगा वो,
हाँ सही से, सही से लगो एकदम, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोल लेते भाई थोड़ी सी हवा दे देते बाहर की, नहीं तो 35 हो जाएगा। यार ये और अच्छा नया ड्रामा, पेट्रोल पम्प ढूंढो, ये तो ना ज़्यादा दूर तो ना जाएगी। काम बनेगा वरना तो देख ही रहे हो गया, बस लोग लोग चलते हैं। भैया जी आ गए, ये है गुरुद्वारा। ओए होए हाँ हाथ जोड़ लो भैया। हाँ आज मैं बैग नहीं लेके आया, देख लो पहली बार, वरना मैं बिना बैग के नहीं जाता कहीं पे भी। पता नहीं क्या आदत है मेरी, बैग मुझे नेसेसरी है। बाइक बाइक पे नहीं, मैं कहीं पे भी जाऊँ मुझे बैग बड़ा, बिना बैग के मेरा मन नहीं रखता। चलो 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 गाइस, पार्टनर मिल चुका है, अपने मामा के लड़के को ले जाऊँगा साथ में। मेरे से यार पता नहीं क्या आदत है मेरी, मेरे से ना जाया जाता भाई कहीं भी यार अकेला, पता ना कैसी आदत है समझ में ही ना आता। देख लो कहाँ गए, मैं कश्मीरी गेट आया, कश्मीरी गेट आकर मेरे चूल हो रही थी भाई साहब यार, कोई 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 कोई, फिर मेरा ध्यान पाया उसकी छुट्टी भी हो रही होगी अब, और उसके साथ चलते हैं क्योंकि इसका ऐसे ही है, इसकी मतलब छुट्टी होनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, इसे चाहे कहीं ले जाओ। अब ये मिलेगा, देखो कहाँ मिलेगा, पहाड़गंज मिलेगा कहाँ मिलेगा, फिर डिसाइड करेंगे कि एक बाइक ले जाएंगे, दो बाइक ले जाएंगे, या उसकी ले जाऊंगा या अपनी खड़ी करूंगा, जो भी है एड्रेस भी देखेंगे। कोई ना अपनी ले चल देंगे शेरा को। हाँ तो आप शेरा के साथ ही चलते हैं यार, ऐसे ना मजे आएंगे, तो हर बार से ही चल रहा हूँ यार अंदर से, तो फिर से चलेंगे 30,000 ही। अरे कैसे यार, ये तो डरगा भाई, डरगा जाम देख के। अरे भाई ये तो यहाँ छोटा मोटा काम है, ये जाम देखना, जाम में चलाना, और डरगा बाबू जी ने उल्टी मोड़ लिया। अरे ये तो रोज का काम है भाई, ये ऐसे डर जाओगे तो कैसे रहोगे दिल्ली में। दिल्ली में जो जाम से डरगा ना, उसका कुछ ना हो सकता भाई यहाँ। चलो चलो चलो, जाम भी ना ऐसा वैसा पता होता ना वहीं से लड़ता है, यहाँ तो अभी से याद में तो दोनों शुरू हो चुका है इतने जाम में, पर उसके वहाँ से तो ठीक है, सारा अंदर से चलेंगे सीपी वीपी के अंदर से, वो तो एरिया आपको पता ही है, गति एकदम पक्का एरिया है, और अब तो तुम्हारा भाई का रास्ते भी पता है, एक बार उसे घर पहुँच जाऊँ बस, फिर चलते हैं। तो यार कैसे करोगे, हाँ हाँ चढ़ चढ़ चढ़, मैडम चढ़ेगी क्या करेगी, हाँ मैडम मैं चढ़ना, तो कहाँ जाओगे पार करके भाई, रोड है एक जाम से निकलते ही दूसरे जाम में पैर दे दे। अरे हाँ यार बत्तो बत्तो में तो मैं लग रहा हूँ यार, इसमें तेल भी डलवाना है, समझ गए। अरे यार हाथ में दर्द हो रहा भाई साहब, ये हम पहुँच गए, पता नहीं कहाँ पहुँच गए भाई, मैं भी नया ही हूँ आपकी तरह दिल्ली में, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता है बस, जगह रस्ते सारे पता है, जगह के नाम नहीं पता, जगह के नाम बस मुझे वो याद आता है जहाँ बस मैं गया हूँ, मैं गया तो मैं यहाँ पे भी बहुत बार आया हूँ, मोरी गेट है यहाँ,
अब याद आया, कभी मीठा मीठा दर्द हो रहा तो मैं यार कैसे करूँ, रोक क्या मछलू या क्या करूँ भाई। बाइक ज़्यादा लगती है, मैडम जी खड़ी है ट्रैफिक वाली मैडम। ये हम आ गए, ये है ईदगाह मस्जिद है, बहुत बड़ी है, साइड में मेरे राइट साइड बहुत ही ज़्यादा भीड़ भड़का होता है जिस दिन त्यौहार होता है। एकदम रात के टाइम आए हम, दिन के टाइम आते ना बड़ा ही कंजेस्टेड है, बड़ा ही ज़्यादा, और दिन में तो मैं क्या था ना भी आता है। ओए ओए कैसे करो यार, घर जाऊँ या समझ नहीं आ रहा, घर भी तो अंदर जा गई है मार्केट एरिया में, ओ तेरी की इसी की कमी थी। रोड वोड ना हो यार, ये बस पानी पूने वाले रोड तो देखी जा, अपनी भूसा ना सहन करती भैया गंदगी, साफ सुथरी रहना पसंद करती है। अभी वो हटावे ना BMW वाला और हम जावे ना, ऐसी गाड़ी है तो ऐसी ठुमक ठुमक के चलेगी यहाँ पे भाई साहब, क्योंकि आपको पता ही है भैया जाम में तो, और ये वैसे भी BMW ले रहा है यो तो और बच्चा बच्चा के चलेगा। मैं तो भैया यहाँ हटाता नहीं गाड़ी, यहाँ लाऊँ तो मैं यहीं बाहर ही खड़ी कर दूँ पार्किंग वार्किंग में, बाहर ही अंदर वंदर का कोई सीन ना हो, मैं तो बड़ा इरीटेट हो जाऊँ। वन छोटे से भी स्क्रैच के पैसे दे, इससे बढ़िया पैसे दे दो पार्किंग के। चलो यार BMW यार इतना भी ना होता जितना तू कर रहा है भाई यार, ठीक है हो है ना तो कितने रेट पीट दे। ये है गाइस मेरे लेफ्ट में सदर थाना, बहुत बढ़िया थाना है, महंगा थाना है, महंगा थाना, महंगे थानों में गिनती आती है इसकी, सदर थाना। अरे भाई साहब तुम्हें लगे कुछ ठीक नहीं हाला मुझसे कहो, कोई हो तमन्ना या हो कोई आरजू। पहुंच गया गाइस, ये देख लो ये बैग की मार्केट है, और सबसे बड़ी मार्केट है बैग की, जहाँ पे भी सप्लाई होता होगा ना यहीं से जाता है सारी जगह, देख लो कितना रश है। और अब तो बस मार्केट बंद होने के उस पर है, जब भी ऐसी मिलेगी भीड़ भड़क का देख लो,
आएगा। ओ माय गॉड, है यार यो क्या ड्रामा होगा। तो ले मैं खुद बचाता हुआ आंड रहा हूँ, वो सिक्योरिटी वाला कह रहा मैं जाऊँगा। ऐसे ड्रामे ना चाहिए भाई। चलो चलो भाई साहब।